हेलो ऑल वेलकम टू ब्रो बिलेनिया डॉट कॉम सो दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल वेर वी आर एनालाइजिंग निफ्टी नेक्स्ट मूव फॉर द नेक्स्ट डे सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आई हैव प्लाटेड एलियट वेव मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में बात करूँगा सो सम ऑफ द साउथ इंडियन मेम्बर्स आर रिक्वेस्टिंग टू मेक वीडियो इन इंग्लिश सो या इफ़ यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड एन थिंग यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट कमेंट में आप पूछ लो जो भी डाउट्स हैं सो so, इन अभी uh, एक डिस्लेमर ये है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा बेस्ड ऑन इफ़ यू आर टेकिंग ट्रेड्स ऑन दिस एनालिसिस देन इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ट्रेड्स ऑन योर ओन रिस्क द एनालिसिस कैन गो रॉन्ग ऑलवेज एंड यू कैन यू कैन ऑलवेज इन अ लॉस और अ प्रॉफिट सो अभी आप अगर निफ्टी का यहाँ पे देख रहे हो चार्ट तो आपको दिख रहा है कि uh, पांच वेव्स रहते हैं एले वेव में उसमें से फिफ्थ वेव जो है एक्सटेंड हो रहा है सो फिफ्थ वेव इज एक्सटेंडिंग हियर सो वेन एवर थर्ड वेव

बाई ट्वेंटी टू थाउजेंड ओके और बाईस हजार ये नंबर हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए फिफ्थ वेव का अभी ये गारंटिडली नहीं बोल सकते एक्सटेंशन के केस में कि के ये यही थमेगा इसके आगे भी जा सकता है सो दो गारंटी दैट इट विल स्टॉप हीयर एक्सटेंशंस डू नॉट है फिक्सड टारगेट्स द ओनली वे टू नो इट इफ इट डजेंट क्रॉस दिस इट स्टार्ट ड्रॉप फ्राम ट्वेंटी टू थाउजेंड डरेक्टली विदाउट क्रॉसिंग giving क्लोजिंग अबाउट दिस ऑन डेली चार्ट हमको अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला तो देन हम इमीडिएटली बोल सकते हैं कि ये इधर हॉल्ट हो गया और इसे ड्रॉप चालू कर देगा सो दैट इज हाउ इट वर्कसो नेक्स्ट इज हम लोग आगे जाते हैं कल हमने बोला था कि हमारा इमिडिएट टारगेट ये है अठारह हजार आठ सौ ये फिबोनाश एक्सटेंशन नंबर नहीं है बट हंड्रेड परसेंट रिप्लेसमेंट इज दर्स्ट टारगेट

जो जिनके पास ओवरनाइट पोजीशन थे वो लोग प्रॉफिट में रहे होंगे जिन जिन्होंने आज ट्रेडिंग किया वो लोग फंसे होंगे बहुत सारे ट्रेड्स में लॉस हिट हुए होंगे बिकॉज दिस वाज अ रेंज बाउंड डे ओके सो ट्रेडिंग वाज वेरी रेंज बाउंड सो एज़ पर द एलिएट वेव हियर यू कैन सी लेट मी स्विच टू वन आर चार्ट नाउ सो दैट आई कैन गिव यू टारगेट्स बेस्ड ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एलिएट वेव्स सो हियर यू कैन सी हियर दैट दिस इज़ वन वेव दिस इज टू वेव

so uh, now uh, let's understand based on option chain how the things are going on so option chain पर हमने कल देखा था कि uh, last Thursday क्योंकि Friday uh, market बंद था छुट्टी थी uh, दशहरा की तो नेक्स्ट uh, हमने कल देखा था कि अठारह हज़ार तीन सौ को ये सपोर्ट बनाएगा सो so, आज हम लोग देख रहे हैं कि uh, बहुत सारी कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग हुई है बहुत सारे स्ट्राइक्स पे सो द लॉन्ग्स आर गेटिंग एडेड सो लॉन्ग्स आर गेटिंग एडेड एवर देर इज अ पुट ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ओके सो मीन्स द इंडेक्स इज बुलिश एंड द शॉर्ट्स आर गेटिंग कवर्ड ऑन द कॉल साइड इफ यू सी दी स्ट्राइक्स ओके सो एक्चुअली रेंज बाउंड डे था सो पंद्रह हजार पाँच सौ पे मेजर एक्शन हुआ और आप देख सकते हो ये नंबर और ये नंबर सो थर्टी लाख कॉल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट साइड पे अठारह हज़ार पाँच सौ पे और नाइनटीन लाख यहाँ पे ऐड हो गया है सो मोर और लेस सेम रेंज में पचास साठ पॉइंट के रेंज में निफ्टी आज ट्रेड किया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जैसे कल बोला था कि अठारह तीन सौ का बेस बना देगा तो यहाँ से कॉल राइटर्स हट रहे हैं पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं मीन्स दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट नाउ यू कैन सी द नंबर दर इज़ नो सेफ नंबर हियर एटीन हंड्रेड एटीन सो एटीन हैज़ बिकम अ सपोर्ट सो ये एक सपोर्ट बन चुका है और ऊपर के साइड पर अभी रेजिस्टेंस अभी भी थर्टी सेवन लाख ओपन थर्टी सेवन लाख कॉल्स के कॉल राइटिंग के साथ अठारह पाँच सौ है जो कि जिसके ऊपर आज क्लोजिंग नहीं दिया है निफ्टी ने सो so, इवेंचुअली uh, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है तो ये बेस तो बनने वाला है एक दो दिन में और भी बाद में निफ्टी ये रेंज में ट्रेड करेगा अठारह तीन सौ और अठारह पाँच सौ सो ये एक्सपायरी में इतना ही एक्सपेक्टेड है अठारह तीन सौ और अठारह पाँच सौ के बीच में मूव सो एंड हमने uh, ये भी देखा है कि आज रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने की वजह से ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एक चैनल बना चुका है ये बट हाँ थोड़ा सा uh, थोड़ा सा डाउन साइड के साइंस दिख रहे हैं तो अठारह पाँच सौ uh, अठारह चार सौ पचास तक हमारा व्यू है कि ये नेगेटिव रहेगा इमिडिएटली कोई वन आवर चार्ट अगर आप देखोगे तो एक मारूबोज़ू बना है रेड मारूबू सो दैट मेक्स अस गिविंग अ सिग्नल दैट 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 इज गिविंग अ सिग्नल दैट देर इज अम स्मॉल फॉल अ हेड सो हम लोग अगर फिफोनाची एक्सटेंशन लगा ले और प्लॉट करके देखे uh, अभी इसमें इंटरनली मुझे पाँचवे अभी और नहीं दिख रहे एक्सटेंशन किया एक्चुअली नाइन मूवज होने चाहिए एक्सटेंशन में जबकि ये वन पॉइंट सिक्स हंड क्रॉस कर चुका है तो मुझे नाइन में नाइन वेव्स इंटरनली दिखने चाहिए तो जब भी अभी मुझे वन टू वन या टू ही दिख रहे हैं यहाँ पे अभी थ्री बना नहीं है कोई कंसोलिडेशन और बिग ड्रॉप आया नहीं है सो so ये इंटरनल है थर्ड का इंटरनल मूव है सो so ये करेक्शन uh, नहीं दिख रहा है सो देर इज़ नो करेक्शन राइट नाउ अवेलेबल करेक्शन डेटा वी के नॉट प्रोडिक्ट राइट नाउ बिकॉज इट्स स्टिल बुलिश क्रिएटिंग गैप्स नॉट ड्रॉपिंग मच so when you plot a fibonacci from this what we are getting is uh, this number uh, which can be a level to watch next day so 18400 or 18383 is the level where it can retrace and then bounce back so that's what it can uh, it can do next session so that's it guys so tomorrow session likely uh, be uh, it might open a gap down a small gap down might be happening of 50 points then 18400 18380 might be touched and then a bounce back is expected so trend will continue bullish after opening that's what i'm expecting as there is a red marbles on hourly chart so that's it uh, thank you and also uh, if you could see on the r1 indicator iron uh, indicator is uh, slightly sideways. So that's what when whenever around indicator trades sideways on 15 minute chart, you should not uh, keep position for a long time. So for entire day, you would see that here uh, entire first half of the day around was a parallel, parallel channel in a parallel channel. Whenever this kind of stuff happens, you should always try to book for 10, 20 points in Nifty and maybe 50 points max in the Bank Nifty. Thirty to fifty points max in the bank Nifty. That's what you you should attempt for. Um, more than that, you cannot get when there is a uh, sideways move in the index. So that's it. Uh, Nifty and bank Nifty both were sideways today. So uh, in the next session, it might give a breakout from this channel uh, after falling down. So that's what our view is. Uh, so yeah, thanks a lot. Have a great day. Bye bye.